रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले चार ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो,
वह तुम्हें सिखा कर क्या गया, यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता, इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हठ कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हठ को इनकार कर सकेगा। और तो और, हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं, इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम जी के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम जी को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान मोहन रहता था। मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा अपने खेतों में मेहनत से काम करता और अच्छे फसल की उम्मीद करता। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह धान की खेती करता था। एक दिन मोहन को अपने खेत में काम करते हुए एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मोहन ने इस बात को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा ताकि उसे अच्छा फल मिले। मोहन के पड़ोसी सुरेश एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। सुरेश हमेशा शॉर्टकट लेने की सोचता और मेहनत से बचने की कोशिश करता। उसने मोहन की किताब पढ़ी और सोचा कि वह भी इसका फायदा उठाएगा, लेकिन अपने तरीके से।
उसने सोचा कि अगर वह खेत में काम नहीं करेगा और दूसरों से चुराएगा तो उसे बिना मेहनत के अच्छा फल मिल जाएगा। सुरेश ने अपने इस विचार को अमल में लाने के लिए रात के समय मोहन के खेत से धान चोरी करना शुरू कर दिया। उसने कई बार मोहन के खेत से धान चुराए और उसे बाजार में बेच दिया। सुरेश को लगा कि उसका तरीका सफल हो रहा है और वह खुश था, लेकिन समय के साथ सुरेश का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे लगातार बीमारियां घेरने लगीं और उसकी हालत बिगड़ती गई। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन गांव के एक ज्ञानी संत ने सुरेश को देखा और उससे उसकी समस्या का कारण पूछा। सुरेश ने अपनी सारी कहानी संत को बताई। संत ने उसे समझाया, सुरेश, तुम्हारी हालत का कारण तुम्हारे बुरे कर्म है। तुमने मोहन के खेत से धान चुराए और मेहनत के बिना फल पाने की कोशिश की, यही कारण है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से माफी मांगी। संत ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करे और भविष्य में अच्छे कर्म करे। सुरेश ने संत की बात मानी और मोहन से माफी मांगी। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रण लिया और मेहनत से काम करने लगा। मोहन ने सुरेश को माफ कर दिया और उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे सुरेश ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखा और उसकी हालत भी सुधरने लगी। अब वह भी मोहन की तरह मेहनती और ईमानदार बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करें। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं, जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो वह चाहे दुखी हो, चलो देखते हैं दिशा सुपर क्यों गए। हमारा यह मलीन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं, यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है, ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे।
उस दिन जीवन की बात समझ आई, अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य है। अक्सर लोग एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है आए। लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिल जाता है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे हैं। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए।
ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? सुबह पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वह भरेगा, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा, पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाए, पहला जो आपसे झूठ बोलते हैं, दूसरा आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरा आपका इस्तेमाल करते हैं और चौथा आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता
लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं, इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें। किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद्द नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है
कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह